नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आर एस एन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। फिलहाल हम लोग हैं हिसार के प्रीति नगर में पार्क में, और यहाँ पे प्रीति नगर के लोग सारे इकट्ठे होकर यहाँ पे होली का पर्व मना रहे हैं। लोगों से बात भी करेंगे, जानेंगे किस तरह का माहौल है, किस तरह की खुशी का पर्व किस तरह से मना रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। और इनसे कि जैसे यहाँ लोग अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुँचे भी और यहाँ के निवासी भी हैं। आप पहले तो आपको दिखाते हैं डांस, जो देखें महिलाएँ अपने होली के रंग में रंगे हुई हैं और इस हिसाब से डांस कर रही हैं। और देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से पहले तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पे प्रीति नगर से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। महिलाएं अपने गानों में मस्त है और अपना एंजॉय कर रहे हैं, होली के पर्व खुशी के साथ मना रहे हैं। डीजे के ताल में गानों के साथ यहाँ पे लोग महिलाएं, यहाँ के युवक हैं, बच्चे हैं, परिवार वाले सारे लोग हैं और पूरा आनंद ले रहे हैं। अब इनसे हम लोग बात करेंगे, जानेंगे क्या किस तरह का माहौल है। हाँ जी, आप बताइए, रंग में रंगे हैं, किस तरह का नशा हो रहा है? बहुत ही मजा आ रहा है। हैप्पी होली टू ऑल। बहुत ही मजा आ रहा है। प्रीति नगर विकास पार्क में होली का त्यौहार मना रहे हैं हम लोग, और बहुत ही पूरा मोहल्ला हमारा यहाँ पर इकट्ठा हुआ हुआ है। बहुत ही मजा आ रहा है। पूरे नशे में आप तो? फुल नशे में है, फुल सब नशे में है। तो नाच के आप देख रहे हैं और पूरे परिवार वाले और आस पास अड़ोस पड़ोस वाले भी लोग हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त जैसे कई देर से आप लोग होली का पर्व मना रहे हैं, बच्चे भी हैं, परिवार वाले, तो कैसी खुशी होती है जब इस तरह का माहौल क्रिएट होता है? पूरे परिवार के साथ, पूरे मोहल्ले के साथ हम होली का त्यौहार मना रहे हैं। बहुत ही मजा आ रहा है हमें, और हम हर त्यौहार ही हमारे प्रीति नगर पार्क में ऐसे ही मनाते हैं। लोगों को ये तो बताओ, आप हो को, आप पहचान में नहीं आ रहे, आप हो कौन? मैं रीना सातोड़े और प्रीति नगर से। रीना सातोड़े जी हैं, जो कि पहले यहाँ पे चुनाव के लिए भी जैसे पहले प्रयास करते रहे हैं, चुनाव भी लड़े हैं और यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं एक तरह से, कि जनता अगली बार भी मैदान में कूदेंगे, आपने देखना है कि इनको चुनना है किसी और को, लेकिन पहचान पूरा कवर कीजिए, पूरा कवर कीजिए। बहुत अच्छा सीन है यहाँ पर, सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैडम आप बताइए, कैसी खुशी है? बहुत खुशी है। हमारा मोहल्ला, हमारा परिवार सुख दुख में काम आता है और सब मिलकर हर त्यौहार खूब इंजॉय करते हैं। तो मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सब। मैडम आप क्या कहेंगे आज इस माहौल में और रंग में रंगे में? तो खूब मजे आ रहे हैं। हैप्पी होली टू ऑल। हर साल हमें बहुत मजे आते हैं और हमारी सभी सहेलियां यहाँ होली खेलने आती है और बहुत मस्ती करती हैं सभी। हैप्पी होली। जी मैम आप ये बताइए, जैसे सहेलियां हैं और कई बार ना नोक झोंक भी हो जाती है, तो आज के दिन क्या नोक झोंक होती है? कई बार गिले शिकवे होते हैं, उसको दूर किया आप लोगों ने? नहीं नहीं, गिले शिकवे नहीं होते, हमें तो मजा ही आता है सिर्फ। हमें तो मजा ही आता है सिर्फ, गिले शिकवे कुछ नहीं होते, कहीं नहीं होते। नहीं नहीं, कभी नहीं होते। अच्छा, आप क्या कहोगे इस माहौल को देखकर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है, बहुत मजा। कितना डांस किया आपने? बहुत किया, बहुत किया। सबसे पहले लगी थी। थकते नहीं आप? नहीं। अच्छा, सबको थका दिया आपने? सबको थका दिया। तो आप क्या कहोगे इस पर्व में, जैसे कि पूरा घुल मिल के आप लोग रंगों में रंगे हुए हैं, और कब तक चलेगा ये? ये भी एक घंटा और खेलेंगे, और बहुत मजा आ रहा है, खूब मजा आ रहा है। सब मिलके खेलते हैं, बहुत ज्यादा बड़े छोटे सब मिलके खेलते हैं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आप बताइए जी, आज के इसमें पर्व में आप क्या कहोगे? होली का त्यौहार है, सभी के लिए खुशियाँ लाए जी, और भगवान की दया से हमारे प्रीति नगर में बहुत ही सब घर परिवार की तरह रहते हैं, सारे फेस्टिवल इकट्ठे होकर मनाते हैं। तो आनंद आ रहा है? खूब आनंद, हर प्रोग्राम में आनंद आता है यहाँ। फोटो वोटो खिंचवाई? नहीं खिंचवाई, कुछ यादगार पल समेटे हुए हैं आपने? रमेश भाई हमारे साथ में फोटो की है, बहुत बढ़िया आते हैं, हमारे भगवान की दया है। धन्यवाद बहुत बहुत रमेश भाई का, यहाँ पर धरने पर स्वागत है। हाँ जी, आप कौन हो? कौन हो आप? मैं, मेरा नाम अंतिमा है। अंतिमा हो, पहचानने आ रही है? नहीं आ रही। नहीं आ रही ना? दूसरे को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। नहीं पहचान पा रहे हैं, किसने कर दिया ये हाल? जी जूनियर फ्रेंड्स ने। अच्छा, हाँ जी। तो कैसा मजा आ रहा है? पूरा बहुत मजा आ रहा है। कितनी देर होगी? हम सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं। 8 बजे से लगे? हाँ जी जी, हमें तो काफी टाइम हो गया सुबह से खेल रहे हैं हम। अच्छा, तो जैसे कि रंगों में रंगे हुए, नशा कितना हो रहा है? नशा नशा नहीं किया हमने, नशा नहीं किया। नहीं, ऐसे लग रहे हो पूरे नशे में हो।
रंगों का नशा नहीं चढ़ रहा, खुशी का नशा? रंगों का तो चढ़ा हुआ है, तो हमसे ज्यादा किसी ने किया ही नहीं है। हमसे रंगों का नशा, खुशी का नशा, परिवार का नशा कितना? बहुत तो बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा। आपको जो फ्रेंड्स देख रहे हैं उनको क्या कहोगे आज के दिन, होली के दिन? चेहरे पहचान में नहीं आ रहे, फिर भी कह दो मैं ये हूँ, अपना इंट्रोडक्शन देके क्या कहोगे? हैप्पी होली, हम तो यही कहेंगे। मेरा नाम अंशिका है एंड हैप्पी होली ऑल। पहचान लो अंशिका है, वो कह रहे पहचान में ना आए तो मैं अंशिका और क्या, मैं अंशिका हूँ, मुझे पहचान लो। अच्छा, आप बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हाँ बहुत। तो होली का जो पर्व होता है उसमें क्या चीज है, जैसे कि आप कई बार ना फ्रेंड्स के साथ जाते हो, स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, कई बार मन मुटाव होता है, तो गिले शिकवे होते हैं, वो दूर किए नहीं किए? करनी चाहिए जरूर। आपने किए नहीं किए? मेरी थे ही नहीं किसी के साथ। आपके है ही नहीं? नहीं। अच्छा, तो अब कैसा लग रहा है? यहाँ पे डांस किया, मस्ती किया? बहुत मस्ती की, फुल मस्ती की। तो जिस तरह किस तरह के पर्व में आपको क्या लगता है, परिवार वाले इकट्ठे होते हैं, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं, उससे क्या खुशी का माहौल बढ़ता है? हाँ, बहुत खुशी होती है। आपका नाम? अंजलि। अंजलि, पहचानते हो आप? हाँ पहचानते हैं हम। बोला अभी शक्ल इतनी बिगड़ी? नहीं नहीं, इतनी नहीं बिगड़ी, अभी और होने वाली है। अभी होने वाली है। तो सारे जो लोग देख रहे हैं, आसपास के इलाकों के लोग देख रहे हैं, उनको क्या कहोगे होली का इस पर्व की, क्या शुभकामनाएं देंगे? मैं तो कहूँगी हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। आप बताइए, बच्चे को लेके आप खड़ी हैं, और बेटा कौन है, कौन है? मम्मी है? नहीं, शक्ल देखो ऐसी थी मम्मी की शक्ल? नहीं ना। तो कैसा लग रहा है जैसे आज इस माहौल में ढली हुई है, और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय हो रहा है, सब इतने कलरफुल लग रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। तो जो आपको जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहोगे, होली किस तरह से मनानी चाहिए? होली सबको बनाना चाहिए। सब कहते हैं कि पानी बचाओ, मैं कहती हूँ कि साल के 364 दिन पानी बचाओ और एक दिन खूब जम के होली खेलो, क्योंकि एक दिन में हम पानी नहीं बचा सकते। बिल्कुल, इन्होंने संदेश दिया 365 दिन पानी बचाओ और एक दिन खूब जम कर होली खेलो। और यहाँ पे देखिए, वो देखो रंग और गुलाल, और यहाँ पे भैया से बात करते हैं। तो भाभी जी नमस्कार, आप पहचाना? आप कौन हो? रमेश, मैं अजय। ये अजय भैया है, देखना जितने भी दर्शक है, शहर के जो एक तरह से क्रीम लोग हैं, क्रीम बेल्ट है, जो उद्योगपति लोग हैं, उनमें अजय जी को जानते होंगे, और अजय जी आज इतना पहचान में नहीं आ रहा है। बात कर रहा हूँ कि ये जो त्यौहार है, जिस तरीके से समाज सिमटता जा रहा ना, होली को तसल्ली से मनाना चाहिए। 500 साल के बाद ये त्यौहार केवल कागजों में रह जाएगा, ठीक है जी? और ये तो पारक है, या तो यहाँ तो मोहल्ली का जब का है। भैया जैसे कोरोना काल में 2 साल से होली नहीं मना पा रहे थे, इस बार जैसे होली मना रहे हो, तो कैसा लग रहा है? फर्स्ट क्लास, मजेदार मजेदार। इस पार्क में दो खासियत है, दो लोगों के मकान, एक मेरी बेबे का, एक खाली का, दोनों है, दोनों। फिर तो आप पूरे रंगे हुए, फर्स्ट क्लास, खूब खुशियाँ, मजेदार त्यौहार है। आप ये देखिए, गौर से देखिए तो पहचान में नहीं आ रहे आप तो। नहीं मैं तो रंग ज्यादा बैठ गया ना, रंग बैठ गया ना ज्यादा। आपको भी बधाई हो रमेश भाई। आप बताओ कि जैसे इस माहौल में आप लोग हैं, कैसी खुशी होती है जब? बहुत अच्छा लगता है, हम तो हर फेस्टिवल हमारे इस पार्क में ही सेलिब्रेट करते हैं सब लोग मिलकर। कितनी देर हो गई अभी? हो गया 1 आवर, हो गया 1 घंटा हो गया, तो अभी तो रंग और चढ़ेगा। होप सो, जिया जी रहे तो बहुत चढ़ेगा। जो और लोगों को आप क्या कहोगे, जिस तरह के माहौल में, जैसे इस तरह के उत्साह होते हैं, उसमें किस तरह के भाग लेना चाहिए और किस तरह के साथ होली मनाना चाहिए? परिवार के साथ मिलजुल कर, प्यार के साथ। आप बताइए, मिलजुल के परिवार के साथ बनाओगे तो मजा आएगा ही आएगा। ये हमारी साली जी, भाभी जी आप ना कई बार फेस्टिवल में जाते थे, दिखते थे उसमें ना, अलग थे। आज ना मैं खुद नहीं हैरान हो रहा हूँ कि आप नहीं किया इन्होंने, मेकअप नहीं किया इन्होंने, तो मतलब ना पूरा ऐसा रंग में आप बैठ गए होगे। कोई रंग वाला मेकअप है, होली का मेकअप है आज। बड़ा मजा आ रहा है आज तो, खूब फुल नशे में आज। हाँ जी हाँ जी, पूरा नशा, नशे में पूरा नशा, होली का, होली का पूरा नशा है। भांग मुंग पिया? नहीं पिया? नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं। हम ने पिलाया ना आपको? नहीं यार, रंग रंग पिला दिया आपने, रंग का नशा चढ़ना पूरा। समारा ब्रांड ऑयल, समारा ब्रांड ऑयल, देखना आराम से आराम से आराम से, इधर नहीं। ये लो ये लो ये लो, देखो 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 देखो। हाँ जी जी, रंग का एक ही नियम है, रंग लगाओ और गप्पी भरो। देखिए रंग का एक ही नियम है, रंग लगाओ और गप्पी भरो। तो उस तरह से उन्होंने किया कि जैसे अजय भैया ने बताया, और माहौल बहुत बढ़िया है यहाँ पे। जैसे कि शशि भैया आप बताइए, क्या कहेंगे आज के दिन, और लोगों को, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? कई युवा ऐसे भी हैं जो बाइक में फराटेदार सिटी बजाते हुए शहर के बीचों बीच घूम रहे हैं, उनको क्या कहोगे? उनको तो रोक के ना डंडे से पीटना चाहिए, और बाकी प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक होली खेलने में कोई बुराई नहीं है, और खेलनी चाहिए। पानी से खेलो, गुलाल से खेलो, लेकिन कोड़िया रंग से नहीं खेलनी चाहिए।
जिससे चेहरा खराब ना हो। जैसे इन्होंने संदेश दिया कि जो युवा हैं एक तरह से बदसलूकी के साथ और हुड़दंग करते हुए जैसे शहर में घूम रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो लोग इस तरह कार्य ना करें। अभी हम जब आ रहे थे तो हम देख रहे थे कम से कम 20-25 बाइक और उसमें पटाखे छोड़ते हुए शहर में घूम रहे हैं, एक्सीडेंट होने के खतरे भी बढ़ते हैं, उससे आप लोग बचें और उस चीज़ में आप लोग इन्वॉल्व। और ये देखिए माहौल, यहाँ पर सभी को पाइप लगा के और पानी के साथ सबको यहाँ भिगवाया जा रहा है, फुहारे का आनंद ले रहे हैं, गर्मी भी बढ़ रही है, रंग भी साथ में और साथ के साथ ये माहौल आप देखिए। और ये बच्चों से भी बात करेंगे अभी हम लोग, यहाँ पे कुछ बच्चे इधर हैं ये ना उसमें नहीं आ रहे। हाँ जी, क्या नाम है? नैंसी। अच्छा, क्या कर रहे हो? होली खेल रहे हैं। आप खेल रहे हो? क्या वो खेल रहे हैं? सारे खेल रहे हैं। सारे खेल रहे हैं, मजा आ रहा है? हाँ। अच्छा, हाँ जी, कितना मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। ये कौन है? एकता। ये कौन है जानते हो आप? जानते हो, पहचान में आ रहे हैं? कौन है? कौन है? डायन। डायन, देख लो आपको तो डायन बना दिया। कोई दिक्कत है, इन्होंने ही बनाया। इन्होंने बनाया। मेरी बहन इसके ऊपर पानी डालू। अच्छा, तो अभी माहौल इस तरह का है यहाँ, कितनी खुशी हो रही है? जैसे बहुत खुशी है यहाँ पे, बहुत खुशी है। तो लोगों को जो आपके फ्रेंड्स से नियर डियर देख रहे हैं तो क्या कहोगे उनको? क्या बहुत अच्छा लग रहा है सबको मिलके, इतना अच्छा, इतना टाइम बाद साथ गैदरिंग हुई है। अच्छा, मजा आ रहा है? हाँ, मजा सभी का यही है, सबको मजा। ये मेरी बहन है तो बीच के ऊपर ठंडा पानी। चलो, ये बहन है इसका। नहीं नहीं बेटा, इधर नहीं, इधर नहीं, नहीं 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 इधर नहीं, माइक खराब हो जाएगा, माइक खराब हो जाएगा, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, नहीं करना। ये बच्चे हैं माँ। नहीं 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 ऐसे गलत बात है। ठीक है, आप बताओ कैसा मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो बच्चे भिगो रहे हैं और यहाँ पे जैसे ना एक टूटी भी लगा रखी है और रंग के साथ खाना पीना पकौड़े गरम गरम और छोले भटूरे और साथ में पानी और रंग, कितना मजा? बहुत मजा, बहुत मजा, आनंद आ रहा है। हाँ। तो क्या कहोगे, छोटे छोटे बच्चे शरारत कर रहे हैं, रंग नहीं लगाए? लगा चुके, लगा चुके। बेटे मजा आ रहा है? हाँ। क्या कर रहे हो आप? पिचकारी मार, पिचकारी मेरे मार दी, देखना गड़बड़ कर दी, देखना नहीं ऐसे नहीं, ठीक है ना, बड़ों को नहीं करते ना ऐसे, करना चाहिए, करते जी। चलो बस 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 बस, इधर नहीं इधर नहीं, माइक भिगो दिया इन्होंने। चलो अब यहाँ से निकलते, नहीं तो यहाँ पे अभी और भिगने का तरीका हो रहा है। तो आप बने रहिए आरएसएन के साथ, अगली तस्वीर फिर दिखाएंगे आपको। नमस्कार।